दिन के 2:30 बजे के करीब सानू एक इनफॉर्मेशन मिली सी कि कुछ अणपछाते बंदिया ने बूटा सिंह नाम का जिहड़ा मास्टर हैगा एक्स फौजी हैगा इहदा दिन दिहाड़े मर्डर करता सीगा तेजधार हथियारां दे नाल मार करके। जो आप इनू फरदर वेरीफाई किया तो एक इकबाल सिंह जिहड़े इन्हां दे शरीके च लगते हैं उन्होंने सानू दस्सिया कि जिहड़ा बंदे इत्थे आए सीगे स्विफ्ट कार के उत्ते उन्हां विच इक ते इन्हां दा बेटा सीगा जिहदा नाम हैगा हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और बाकी जिहड़े बंदे हैगे अणपछाते हैगे ने जिन्हां ने पहलां आ करके इन्हां दी स्कूटी दे उत्ते अपनी गड्डी दे नाल टक्कर मारी जदों इह डिग पिया फिर तेज धार हथियारां दे नाल उहनू मार करके उहनू मतलब जान तो मारन दी नीयत नाल वार कीते सीगे। मौके पर SHO साहब ने पहुँच करके नाल दे बंदियां नू लै करके इहनू होस्पिटल शिफ्ट करवाया और होस्पिटल शिफ्ट कराउंदे दौर विच इहनां दे ही जिहड़े नाल दे बंदे सीगे उहनां ने एक वीडियो बनाई जिहदे विच उहदे कोलों पुछदे होए सी कि वी इह बंदा किहड़ा सीगा जिहने मारन दी कोशिश कीती हैगी है तो उहने जो उहदी लिप्स रीडिंग हैगी उह ही कहिंदियां हैगियां ने कि हाँ अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहा है कि उहदे नाल उहदा रौला चलता हैगा और उहने ही इहदे उत्ते तेजधार हथियारां नाल वार करवाया हैगा। तो तफ्तीश दौरान काफ़ी टीम आप वक्री वक्री बनाइया सीगियां CCTV कैमरे चैक किए जी स्विफ्ट कार सी उन्होंने आप आइडेंटिफाई किया और अगे फरदर कार्रवाई करद हो टैक्निकल एनालिसिस करद हो सू पता लगा कि इन्हों की लोकेशन जी है वो शिमले की आ रही हैगी है। तो SHO साहब अपनी टीम के नाल राती रात उत्थे पहुँच करके इन्होंने उत्थे चार बंदे जिहड़े हैगे ने शक की बिना उत्थों एप्रीहेंड किए जो उत्थे लिया करके इन्हों की पुछगिछ की हैगी है तो कन्फर्म हो गया कि यह जो मर्डर हैगा इन्हां दे बेटे ने ही करवाया सीगा। वजह रंजिश है कि 6-8 सालों तो यह अपना वक्रे तौर पर अपनी माँ के नाल फरीदकोट रहिंदा सी माँ की डैथ जी है 2 साल पहला हो गई सी इत्थे हर बारी आंदा सीगा जो इन्हां दी प्रॉपर्टी 3 किल हैगी है उहदा हिस्सा लैण वास्ते आंदा सीगा उहदी ठेका लैण वास्ते आंदा सीगा और हमेशा इहदे फादर दे नाल इहदा डिस्प्यूट रहिंदा सी उहदी वजह रंजिश करके और चूंकि नशेदार ही सीगा इस करके इन्हें अपने साथियों के नाल मिल करके अपने फादर की हत्या करती और हुने बंदे आपां चारों गिरफ़्तार कर ले ने इन्हां दे 2 दिन का रिमांड भी ले लिया हैगा। जिहड़ी कार सीगी जिहड़ी यूज़ होई सी वो सानू रिकवर हो गई है जिहड़े हथियार इन्हां ने इस्तेमाल किए हैगे ने वो फरदर हुण इन्हां दी पुछगिछ च आपां रिकवर करांगे। सर जिहड़ी स्विफ्ट कार आ उह किहदी आ इन्हां चारों चों हुण उहदी फरदर वेरीफिकेशन आपां कर रहे हैगे आ जो तफ्तीश विच आपां उस चीज़ नूं लै करांगे। सर जिहड़े साथी लगाउंदे ते कोई पर्चे-पुर्चे सीगे हांजी जिहड़े नाल इहदे सीगे लटके ते इहनां दे क्रिमिनल रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा हजे तक बिल्कुल क्लीन आया हैगा बाकी कंसर्न थाने दे नाल आपां राबता कर रहे हैगे आ इन्हों तो इस तो इलावा अजे तक कोई परचा सामने नहीं आया। हथियार जिहड़े कापे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं ने हजे वो रिकवर करने रहिंदे हैं जो रिकवर हो जाएंगे उस तो बाद आप क्लीयरली दस सकेंगे कि वो कापे सीगे या होर कोई तलवार वगैरह सीगी। सर हले तक की सामने आया जिहड़ा अटैक असल कल्ले मुंडे वल्लों कीता गया सीगा नहीं जी यह चारे बंदे जिहड़े हैगे ने मुंडा एक्चुअली मौके ते वो बाहर नहीं आया लै करके आया सीगा नाल वो जो 3 साथी हैगे उन्होंने मिल करके जिहड़ा हैगा इहदा इहदी हत्या कीती मुंडा सर अपना मर्जी तक कार ड्राइव कर रहा सी सर कार ड्राइव कौन कर रहे थे मुंडा कार ड्राइव कर रहा है पहला उन्होंने नाल दे 3 मुंडिया ने अटैक किया फिर उस तो बाद इंतकाल के नाल इन्हें मार दिया। सर मुझे भी कल सामने आ रही सर जेडी उनकी मां दा मर्डर हुआ सी सर 2 साल पहला मतलब मिसिंग सी सर शी वाज मिसिंग वो भी सर इन्हें कोई धक्का देके सर नेट किया सी सर ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।